जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, कभी आपको ऐसा लगता है कि आप पर कोई अदृश्य शक्ति ने अपना कब्जा जमा के बैठा है, या कुछ गलत हो रहा है, धन का बहुत ज़्यादा नुकसान यदि आपके जीवन में होने लगा है, तो आप ये छोटा सा उपाय करें। कभी कभी हम देखते हैं हमारे घर में जरूरत से ज़्यादा उदासीनता छा जाती है, क्योंकि जब हम कहीं जाकर आते हैं, आजकल के बच्चों को रोक ठोक भी नहीं सकते हैं, रात्रि में कहीं से भी बाहर से आना, सीधे जूते चप्पलों को अंदर ले आना, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा साथ में चले आती है। घर के पुरुष जब आते हैं, जूते चप्पल को बाहर कोई स्थान पर नहीं छोड़ते हैं और सीधे अंदर आ जाते हैं। ये समय ऐसा ही होता है कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हमारे साथ हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। आज यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत समय से कोई काम आपका अटका हुआ है, पूरा नहीं हो पा रहा, तब एक छोटा सा उपाय करके देखें। आपको ये कार्य बुधवार के दिन करना है, दोपहर में 12 बजे, जब दोनों कांटे एकदम मिल जाएं। आप दोपहर में 12 बजे भी कर सकते हैं, या रात्रि में 10 से 12 बजे के बीच में, जब भी आप कर सकते हैं, जब आपका मन करे करें। जरूरी नहीं है कि आपको दोपहर में ही करना है या रात्रि में ही करना है, जब आपके लिए करना सरल हो कर सकते हैं। आप बुधवार के दिन एक नींबू ले लें। नींबू एकदम फ्रेश होना चाहिए, उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और थोड़े से आपको काले तिल लेना है, आप उसे लेकर पूरे अपने घर में घूम लें। जिस समय आपको करना है, कर रहे हैं ये उपाय, उसी समय नींबू का आपको लेकर घूमना है। आपको उसके बाद घर में नहीं रखना है, आप घर के प्रत्येक हिस्से में, पूरी जगह पर, यहाँ तक कि टॉयलेट वॉशरूम वगैरह में भी आप लेकर घूमें। घर का कोई भी कोना आपका इस नींबू को लेने के घूमने से शेष ना रह जाए। आप पूरे घर में घूमें, थोड़ी सी 8-10 दाने काली तिल ले लें। इसे लेकर यदि आपके घर के बाहर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना रहती हो, तो आप वहाँ ये कार्य कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर की छत पर, यदि फ्लैट पर रहते हैं तो आप अपनी गैलरी में भी ये कार्य कर सकते हैं। आप लेकर जाएं नींबू, साथ में एक चाकू और थोड़ा सा काला तिल। आप नींबू को पहले आड़े रूप में काटें, सीधा खड़ा ना काटें। वैसे ऐसा कहा जाता है कि कभी भी महिला को कोई भी फल या नींबू को खड़ा नहीं काटना चाहिए, इससे उसे संतान संबंधी कष्ट होने लगते हैं। इसलिए आप हमेशा कुछ भी जब फल काटते हैं या नींबू काटते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पहले उसे आड़े रूप में काटें, बाद के बाद उसे सीधे में टुकड़े कीजिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आप नींबू को भी पहले आड़ा काट लीजिए और उसको फिर ऊपर से काट कर 4 टुकड़े कर लीजिए। उसमें काले तिल जो आप ले गए थे वह लगाइए और आँख बंद कर चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। बस आपको इतना करना है, जो भी आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा है अपने आप चली जाएगी। आपको कुछ भी मंत्र नहीं करना, कोई जप नहीं करना, कोई कुछ भी नहीं करना। आप यह कार्य कर देखें। इस तरह से आप लगातार हर बुधवार, जितने बुधवार आप कर सकते हो, जितने बुधवार में आपको लग रहा है कि मुझे पूरी तरीके से आराम मिल गया है, पूरी तरीके से मेरे घर में नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो चुकी है, पॉजिटिविटी बढ़ गई है, मेरे परिवार के सदस्य अच्छे से रहने लगे हैं, जो भी आपका कार्य है वो पूरा हो गया है, आप ये कार्य बंद कर सकते हैं। और यदि करते भी रहते हैं तो कोई इसमें नेगेटिव इफेक्ट तो होता ही नहीं है, हमेशा करना ही चाहिए। सप्ताह में एक बार यदि आप ये कार्य कर लेते हैं, तो आपके घर में हर कार्य आपका बहुत अच्छे तरीके से होने लगेगा। कर देखें विश्वास और श्रद्धा के साथ। ओम नमः शिवाय।